क्लासेस जो हमारी लास्ट वीडियो थी वीडियो नंबर 2 उसमें हमने ये पढ़ा था चैप्टर नंबर 1 क्लास 12 दैट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। उसमें हमने ये पढ़ा था कि सर्कुलर फ्लो इन अ सिंपल इकोनॉमी और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो क्या होते हैं। जो आज ये हमारा वीडियो नंबर 3 है चैप्टर नंबर 1 का सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का, उसमें सिर्फ हमें सिर्फ दो टॉपिक पढ़ने हैं, ओनली टू टॉपिक। नंबर 1 इज स्टॉक एंड फ्लो एंड नंबर 2 इज डिफरेंस बिटवीन लीकेज एंड इंजेक्शन। तो स्टॉक एंड फ्लो और लीकेज एंड इंजेक्शन के बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी, नेक्स्ट वीडियो पे वी विल मूव टू आवर चैप्टर नंबर 2 ऑफ क्लास 12 दैट इज बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। नाउ जो हमारा आज का टॉपिक है, आज का टॉपिक है कि व्हाट इज स्टॉक एंड व्हाट इज फ्लो। बेसिकली जो बोर्ड के क्वेश्चंस, बोर्ड के पेपर जो क्वेश्चंस आते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन आएगा राइट एनी टू डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो और राइट एनी थ्री डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो, व्हाट डू यू मीन बाय स्टॉक और व्हाट डू यू मीन बाय फ्लो। तो देखते हैं कि हमारा स्टॉक क्या होता है। स्टॉक एज अ कॉमर्स स्टूडेंट सबको ही जानता है कि स्टॉक क्या होता है। लेट्स सी, आज मॉर्निंग में मेरे शॉप में टोटल 20 फैन आए, ठीक है। आज मॉर्निंग में मेरे शॉप पे टोटल 20 फैन आए। अब उन 20 फैन में से एट द एंड ऑफ द डे मेरे पास टोटल 5 फैंस बचते हैं, यानी कि 15 फैंस मैंने बेच दिए हैं और दिन के आखिरी में कितने फैन बच रहे हैं, 5 फैन। तो वो 5 फैन क्या हो जाएंगे हमारा, वो हो जाएगा हमारा स्टॉक। दैट मींस स्टॉक का मतलब क्या हो गया, अमाउंट ऑफ अनसोल्ड स्टॉक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरे पास कितना स्टॉक बचा हुआ है वो क्या हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा हमारा स्टॉक। नेक्स्ट इज फ्लो, स्टडी ऑफ स्टॉक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। स्टॉक की पूरी कंप्लीट स्टडी करना ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दैट इज नोन एज फ्लो, दैट इज फ्लो। जैसे मॉर्निंग में मेरे पास 20 फैन थे, 4 इसको बेचा, 2 उसको बेचा, 6 उसको बेचा, ठीक है। ये जो हमने स्टॉक की जो कंप्लीट स्टडी की है वो क्या हो जाएगा हमारा, फ्लो। नेक्स्ट देखते हैं स्टॉक क्या है। स्टॉक क्या है कि हमारा स्टैटिक कॉन्सेप्ट है। स्टैटिक कॉन्सेप्ट मींस व्हिच कैन बी काउंटेड, ठीक है, हम इसको काउंट कर सकते हैं। फ्लो क्या है, फ्लो हमारा डायनामिक कॉन्सेप्ट है। डायनामिक कॉन्सेप्ट मींस कि स्टॉक का पूरा स्टडी करता है कि मॉर्निंग में इतने थे, फिर हमने 4 इसको बेचे, 10 इसको बेचे, 15 उसको बेचे, तो ये क्या है, ये पूरे कंप्लीट चेंज शो हो रहा है कि 20 थे, 20 से हमने इसको इतने बेचे, 4 उसको बेचे, 6 उसको बेचे, तो वो हो जाएगा हमारा फ्लो। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं स्टॉक का। स्टॉक का एग्जांपल, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एज ऑन 31st मार्च 2019 को इंडिया की पॉपुलेशन कितनी थी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम क्या हमारा, 31st मार्च 2019, तो वो क्या हो जाएगा हमारा स्टॉक। फ्लो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ बर्थ ड्यूरिंग 2019, यानी कि पूरे 2019 में कितने लोगों ने जन्म लिया, कितने बच्चों ने जन्म लिया, वो क्या हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा हमारा फ्लो। तो ये था हमारा स्टॉक और फ्लो। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज लीकेज एंड इंजेक्शंस। लास्ट टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर नंबर 1 दैट इज लीकेज एंड इंजेक्शन। फर्स्ट लीकेज क्या है, इंजेक्शन क्या है, इसको हम अपनी डेली लाइफ से सबसे पहले रिलेट करते हैं। सबके घर में पानी की पाइप होती होगी, ठीक है। अब पानी की पाइप हम कभी कभी देखते हैं कि पाइप फट गया और उसमें से पानी बाहर बहने लगता है, वो क्या है हमारा, वो तो उसको हम कहेंगे लीकेज, ठीक, वो हो गया हमारा लीकेज। नाउ अब पानी का, जैसे हम बीमार हुए डॉक्टर के पास गए, ओके, वैसे जब पानी का पाइप फट गया, ठीक है, हमने प्लम्बर को बुलाया या हमने खुद मार्केट गए, मार्केट से एमसील ला के जहाँ पे पाइप फटा वहाँ पे हमने कुछ एमसील लगा दिया या कोई ऐसी लिक्विड टाइप का लगा दी जिससे पानी बहना रुक गया, उसको हम क्या कहेंगे, इंजेक्शन। डेट मीन्स कि एमसील को हमने वहाँ पे इंजेक्ट कर दिया, ठीक। नाउ लेट्स सी व्हाट डू यू मीन बाय लीकेज एंड इंजेक्शन विद रिस्पेक्ट टू सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ये है हमारा हाउसहोल्ड, ये है हमारा फर्म, ठीक है। हाउसहोल्ड ने फर्म के लिए काम किया उसको हम कहते हैं फैक्टर्स सर्विस,
बदले में फर्क ने भाग जोड़ क्या दिया, फैक्टर पेमेंट। जब हाउसहोल्ड को फैक्टर पेमेंट मिल गई इन द फॉर्म ऑफ रेंट वेजेस इंटरेस्ट प्रॉफिट, वो मार्केट का रिचार्ज करता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। अब इसका काम नहीं है, अभी सिर्फ हम पेमेंट की बात करते हैं। हाउसहोल्ड ने फर्म को पेमेंट दिया, फर्म ने हाउसहोल्ड को पेमेंट दिया 200 रुपीज। ठीक, हाउसहोल्ड ने फर्म ने हाउसहोल्ड को पेमेंट दिया 200 रुपीज। अब देखते हैं किसमें लीकेज क्या है। अब हाउसहोल्ड ने क्या किया, इसमें से 20 रुपीज हटा के उसने अपने बैंक के लॉकर में रख दिए, उसने अपने अलमारी के लॉकर में रख दिया, कहीं फर्दर सेव करके रख दिया। अब टोटल इसके पास कितना बच रहा है, 180 रुपीज। यानी कि सर्कुलर फ्लो से जो इसने 20 रुपये विड्रॉल किए वो क्या हो जाएगा, हमारा लीकेज। डेट मीन्स लीकेज क्या हुआ, विड्रॉल ऑफ मनी, विड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम सर्कुलर फ्लो। जो हमारे लीकेज क्या हो गया, विड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम सर्कुलर फ्लो। सर्कुलर फ्लो से जब मैंने कुछ अमाउंट विड्रॉ कर लिया तो वो क्या हो जाएगा, हमारा लीकेज। नाउ देखते हैं इंजेक्शन क्या होता है। अब फैक्टर पेमेंट फर्म ने हाउसहोल्ड को दिया 200 रुपीज। 200 रुपीज में से उसने क्या किया, जो 20 रुपये उसने कहीं सेव करके रखे थे, या 20 रुपये उसने कहीं अपने रिश्तेदार या अपने घर वालों से मांग के उसने 20 रुपये और जोड़ दिया, तो अब ये टोटल कितना हो गया, 220 रुपीज। डेट मीन हाउसहोल्ड ने क्या किया, यहाँ पे 20 रुपीज और इंट्रोड्यूस किए, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा इंजेक्शन ऑफ मनी या इंट्रोडक्शन ऑफ मनी इन द सर्कुलर फ्लो। तो व्हाट डू मीन बाय इंजेक्शंस, इंट्रोडक्शन ऑफ मनी फ्रॉम सर्कुलर फ्लो। ठीक है, ये हो गया विड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम सर्कुलर फ्लो, ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ मनी फ्रॉम सर्कुलर फ्लो। अब ये लीकेज और इंजेक्शंस का इफेक्ट क्या पड़ता है। लीकेज में हमने देखा कि उसने 20 रुपये विड्रॉ कर दिए है, ठीक है, यानी पहले उसकी डिमांड कितने की थी, 200 की थी, 20 रुपये से विड्रॉ किए तो अब उसकी डिमांड कितनी की हो गई, 180 रुपीज की। डेट मीन्स लीकेज विल रिजल्ट इन टू डिक्रीज इन लेवल ऑफ डिमांड, डिक्रीज इन लेवल ऑफ डिमांड। अब यहीं पे क्या हुआ, जो हमारा इंजेक्शन था उसने क्या किया, उसकी पहले डिमांड कितने की, 200 की थी, 20 रुपये उसने और जोड़ दी, तो अब डिमांड कितने की हो गई, 220 रुपये की। दैट मीन इंजेक्शन रिजल्ट इन टू इंक्रीज इन लेवल ऑफ डिमांड। ठीक है, जो हमारा लीकेज होगा, लीकेज की वजह से क्या होगी, हमारी डिमांड डिक्रीज हो जाएगी, हमारी जो डिमांड है वो डिक्रीज हो जाएगी, और इंजेक्शन की वजह से क्या होगा, जो हमारा डिमांड है, डिमांड क्या हो जाएगा, डिमांड हमारा इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे हमारी डिमांड 180 रुपीज की थी, यहाँ पे हमारी डिमांड कितने की थी, हो गई 220 की। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, स्टॉक एंड फ्लो एंड लीकेज एंड इंजेक्शन। ठीक है, अब जो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा, वीडियो नंबर फोर में वी विल स्टार्ट अबाउट अवर चैप्टर नंबर 2, दैट इज बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे नेशनल इनकम की ओर। सो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में अच्छे से आ गया होगा, चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, चैप्टर सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड एट लास्ट डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जितना आपसे हो पाए उतना कीजिए। ओके, थैंक यू।